हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने फर्स्ट क्लासेज में जो इसका बेसिक्स क्लासेज है, जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैंने डिस्कस करवाया था। ठीक है, तो देखिए मैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊँगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को पास्ट क्वेश्चन को मैं सेंड कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग के पास चला गया होगा स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ। देखिए कहता हूँ, फर्स्ट में 2014 ए परचेज फ्रॉम मोहन 25.7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ कहता 140 ईच कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन दिस डिबेंचर्स ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड मोहन। तो देखिए सबसे पहले एकदम बेसिक समझिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पता चल जाएगा क्वेश्चन कहता क्या है। वो देखिए कहता है, पहले ये देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। सभी को यहीं से परेशानियां होती है। मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1 मई को परचेज क्या है, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगी, ये चलेगी 31/3/2014, 1 अप्रैल से चलेगा ना, 1 अप्रैल 2014 से चलेगा, और ये जाके क्लोज होगा 31 मार्च 2015 का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे 31 मार्च 2015 को। और इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट है ये आपको है 30 सितंबर, और 31 मार्च। ठीक है, समझ गया तक। 30 सितंबर और 31 मार्च को ये इंटरेस्ट का ड्यू डेट है। बट परचेज कब क्या है, 1 मई 2014 को इन्होंने डिबेंचर को परचेज कर लिया, यानी ये लिया है 7% डिबेंचर इन्होंने परचेज किया, ठीक है। और रेट से लिया है एट द रेट ऑफ 140 इच। इसका फेस वैल्यू कितना था, FV का मतलब समझेंगे फेस वैल्यू। एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है एट द रेट ऑफ 100 रुपया, ठीक है। ये 7% डिबेंचर कितना था, 25 डिबेंचर था, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, इंटरेस्ट का जब भी कैलकुलेशन होगी तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो डिबेंचर्स है कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगा वो देखिए, 1 मई को जिस डेट को डिबेंचर परचेज किया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये। तो 1 मई 1/5/2014 ये इंक्रीज होगा 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये होगा इंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स बढ़ा इसलिए मैं उसे डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट यहाँ पर एक्सपेंसेस है, पेमेंट करनी पड़ रही है, एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया, और पैसा आ जाएगा जब मैं कोई सामान परचेज करूँगा, इसलिए मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। और ऐसे भी मैंने जर्नलिटी बता दिया, लेकिन फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में चल रहा हूँ। आप देखिए इसमें है क्या, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझिए जरा।
जिस डेट को डिवेंचर, जिस डेट को इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाएगा, उस डेट से बैंक वाले हम लोग जाएंगे इंटरेस्ट का ड्यू डेट। तो बैंक वाला देखे एक मई से पहले इंटरेस्ट का ड्यू डेट कितना है, 1 अप्रैल आ रहे हैं, 1 मार्च आ रहा है, यानी कि 31 मार्च, 31 मार्च से लेकर के 1 मई कितना डेट बढ़ी है। तो देखिए मार्च से तो अप्रैल और मई तो जाएगा नहीं, इसका तो 1 महीना का यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। क्या समझे, जिस डेट को डिवेंचर परचेज किया गया है जस्ट उससे बैंक वाले हम लोग इंटरेस्ट का ड्यू डेट तक जाएंगे, वहाँ तक के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो जैसे 1 मई से पहले क्या 31 मार्च है, तो 31 मार्च से लेकर के 1 मई तक कितना हो रहा है, 1 मंथ का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू से होगा 100 × 25 इक्वल टू हो जाएंगे आपको 2500, 7% है तो 7/100 और इंटू 1/12 इसका कितना आएगा कैलकुलेशन करके वैल्यू, तो 14.58 ये इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया, 14.58। परचेज कितना आगे किया गया है, तो 148 डिवेंचर इंटू 25 तो 14 × 25 35 समय ये परचेज किया गया, यानी ये कम इंटरेस्ट है तो बैंक में ये पैसा चला जाएगा 3500। और इसमें से मैं लेस कर दूंगा तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये हो जाएगा 3485.42 रुपया। ये आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद अब कुछ चलना है हमको, सितंबर में जाएंगे चूंकि इंटरेस्ट मिलेगी, तो अब आएंगे सितंबर 2014, इंटरेस्ट मिलेगी तो पैसा आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम इसलिए मैं क्रेडिट करूँगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना क्या जब भी निकलेगा तो 6 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, तो 2500 पे मैं 6 महीना के निकालूँगा तो कितना हो जाएगा 2500 × 175 का हाफ कितना होगा, तो 87.50 रुपया, यानी कि 2500 7/100 × 6/12 इक्वल टू होगा 87.50 रुपया। यहाँ पे आएंगे आपको 87.5 फिर होगा 31 मार्च को 31/3/2015 को जाएंगे, फिर इंटरेस्ट आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी 6 महीना निकला निकलेगा 87.50। फिर 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगी तो पीएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट को, यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, देखेंगे क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट, तो क्रेडिट में हो गया 87.50 यानी कि 175 हो गया, डेबिट में कितना 1458, तो जितना क्रेडिट है उतना ही से डेबिट कर लेंगे, जैसे इंटरेस्ट को फिर यहाँ पर मैं डेबिट करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, तो देखिए 175 में से ये 14 चला जाएगा तो 160 रुपया 42 पैसा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डन हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक क्वेश्चन, किसी प्रकार के किन्हीं को दिक्कत नहीं है। ये बना आपको जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एल के बुक्स में, अब आपको मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनानी है, उसमें देखिएगा मैं अब इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, यही कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे बनेगा मोहन के बुक में,
इन द मोड। ठीक है, यहां पे होंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे आपको डेट होंगे। तो सबसे पहले मोहन तो बेच रहा है, उसका एंट्री क्या होगा, इसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे आएगा, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और इंटरेस्ट भी इसी हो रही है उसके लिए। तो यहाँ पे होंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1 मई को 1/5/2014, यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2.7% डिबेंचर अकाउंट 2 इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट होगा, बैंक में 35,000 जाएगा, डिबेंचर में 34 तब 85.82 और इसमें 14.5 जाएगा। उसके बाद बीच में इसको इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलने को है नहीं, क्योंकि अब तो इसको पास डिबेंचर का भी हल टू है। 31 मार्च को सिर्फ इंट्रीज होगी, 31/3/2015 इसको मैं पीएल में ट्रांसफर, ये क्रेडिट है तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 14.5। ये रहा इंटरेस्ट, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, अब इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। ओके, बाय बाय।